तो चलिए बात कर लेते हैं मैच 14 की। ये है चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का मैच है और चेन्नई के हाल बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है कि उच्चक्रम जल्दी करना होगा। शुरुआत में जो टीम मैचेस हार जाती है लगातार उसका एकदम हौसला पस्त हो जाता है, उसके बाद बहुत कैचअप करना मुश्किल होता है। उसकी दोधारी तलवार ये है कि अगर ज्यादा आप मैचेस जीत जाएं एकदम से तो आप कहीं पीक जल्दी ना कर जाएं, ये भी चिंता रहती है टीम्स को, क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट जब होता है ना तो यू हैव टू पेस योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। बहुत जल्दी ज्यादा मैचेस जीत जाएं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अपने कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट है, उसमें कोई खिलाड़ी की एकदम से फॉर्म खराब हो गई, इंजर्ड हो गया, उसका बैकअप जो होता है उसको प्रैक्टिस मिलती नहीं, तो टीम वहां बिगड़ जाती है। और हैदराबाद ने बहुत जबरदस्त विन हासिल की दिल्ली के खिलाफ थोड़े दिन पहले अबूधाबी में, और बता दिया कि स्लो गेंद जहां आएगी वहां पे चैंपियन बॉलर है उनके पास। राशिद खान स्टार रहे मेरे लिए, 3 विकेट ली थी उन्होंने। तो आज की टीम में जो मेरे गेंदबाज हैं, पहले उनसे शुरुआत करता हूं। राशिद खान रहेंगे ही रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और स्विंग देखने को नजर आई थी अबूधाबी में, आज भी शायद स्विंग कर पाएंगे वो। दीपक चहार एक अगेन स्विंग बॉलर है पर थोड़े एक्यूरेट नहीं लग रहे, इंजरी के बाद से आए हैं, थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन हो गया तो शायद उतना वो बाउंस और पेस ना मिले, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार हाई आर्म एक्शन से बॉल डालते हैं, जैसे उन्होंने पृथ्वी शॉ को आउट किया था आउट स्विंग पे, वैसी बॉल चहार की जा नहीं रही, हाथ से ही स्विंग हो रहा है तो नजर आ जाता है बैट्समैन को, एकदम लेट स्विंग नहीं हो रहा, भुवनेश्वर का लेट स्विंग होता है। खलील अहमद ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, अभी भी मुझे लगता नहीं कि इंप्रेसिव गेंदबाज हैं वो, इंडियन टीम से काफी मैचेस खेल चुके हैं पर मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं, उनको ज्यादा करना होगा। मेरे लिए स्टार जो है इस पूरे लाइनअप में वो है सैम करन। सैम करन मेरी पिक इसलिए है कि इतना समझदार यंग खिलाड़ी मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, कंडीशंस का फायदा उठाता है, इंग्लैंड में अलग से बॉलिंग करता है, यहां पे अलग की बैटिंग हमने उसकी देख ली, फील्डिंग लाजवाब है और लगता छोटा सा बच्चा सा लगता है पर इतना दिमाग उसका क्रिकेट का है कि मैं बहुत इंप्रेस हूं उससे। जो एंगल्स बनाता है राउंड द स्टंप्स आके, बिल्कुल पॉइंट ऑफ द क्रीज से जाके राइट हैंडर्स को क्रैम्प करता है, उससे बहुत प्रॉब्लम आती है, आप स्लो गेट नहीं मार सकते। फिर बात रही विलियमसन की जो मेरी टीम में है, केन विलियमसन जैसा क्लास खिलाड़ी बहुत कम है इस दुनिया में और उसने बता दिया, इतनी मुश्किल पिच थी अबूधाबी में बैटिंग करने के लिए, उसके बावजूद टाइमिंग लानी, गैप में मारना, ये विलियमसन ने दिखाया और ये काम वो कर सकते हैं। अब आ गई घड़ी प्रॉब्लम की, डुप्लेसी फॉर्म है ठीक है पर डुप्लेसी को साथ में सपोर्ट चाहिए जो टीम चेन्नई की दे नहीं रही उन्हें। मुरली विजय अभी तक वो मुरली विजय नहीं रहे जो पहले थे, हालांकि क्लास बैट्समैन है पर वो उनके पास स्विच करने वाली गेम नहीं है जो एक नेक्स्ट स्टेप आ जाए, जो केएल राहुल ने दिखाई, जो मयंक अग्रवाल ने दिखाई, जो बेयरस्टो ने भी कोशिश की दिखाने की। बेयरस्टो भी मेरी टीम में है क्योंकि हालांकि पिछला मैच धीमा खेले थे फिर भी 50 बनाया, तो वो फाइटिंग एबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी रहती है। और शेन वॉटसन है सबसे बड़ी वरी मेरे लिए कि क्या शेन वॉटसन को खरीदना इस उम्र में और 3-4 साल से कोई अलग फ्रेंचाइज क्रिकेट के अलावा नहीं खेल रहे, उनको पिक करना क्या ये समझदारी थी? शायद अगर सुरेश रैना रहते तो शायद वॉटसन को बाहर बिठा सकते थे पर अब करें क्या, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है ही नहीं। केदार जाधव जो है वो मेरी टीम में नहीं है पर उनकी भी हालत खराब है, तो शेन वॉटसन के लिए बहुत मुश्किल हो गया काम करना और मुझे लगता है कि इस मैच में अगर रन ना बनाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी टीम में बने रहना।